कांग्रेस राजनीति के लिए इस कदर नीचे आ जाएगी इसकी कल्पना नहीं की थी। वो नए पार्लियामेंट का विरोध कर रहे थे क्योंकि वो मोदी जी का विरोध करना चाहते थे, लेकिन उसका विरोध करते करते अपने एक नाकामयाब लीडर की शख्सियत को बचाने के लिए, एक नकारे हुए राहुल गांधी जी की शख्सियत को बचाने के लिए उन्होंने अपने सबसे बड़े लीडर जवाहरलाल नेहरू जी के इतिहास को भी पूरी तरह से भुला दिया। आज वो कहने लगे कांग्रेस के सीनियर लीडर कि संगोल का कोई इतिहास नहीं है। जयराम रमेश जी द्वारा ऐसी बात कहना ये स्पष्ट करता है कि मोदी जी का विरोध, पार्लियामेंट का विरोध, अब अपवित्र संगोल जिसका एक इतिहास है, गौरवमय इतिहास है, एक ऐसा लम्हे का इतिहास है जब भारत की सत्ता का परिवर्तन होता है, और वो जवाहरलाल नेहरू जी को एक ऐतिहासिक पल था जब ये संगोल के माध्यम से ट्रांजिशन ऑफ पावर हुई। कांग्रेस आज उसको भी बुलाना चाहती है। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ ऐसे लोगों की जो इस कदर नीचे गिर चुके हैं कि अब अपने भारत के गौरवमय इतिहास को भी इसलिए बुलाना चाहते हैं क्योंकि एक नकारे हुए लीडर की छवि को बचाना चाहते हैं। भारत आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। ये जो इतिहास से आप छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कतई भारत के लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे और बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.